नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में 500 से ज्यादा केस, 4 की मौत, 2484 एक्टिव मरीज, रोजाना 10,000 टेस्ट के दिए गए निर्देश। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के आंकड़े अब डराने लगे हैं। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 6,223 सैंपलों की जाँच की गयी, जिनमें 531 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इस तरह एक्टिव मरीजों की संख्या 2484 हो गई है। राज्य में पॉजिटिविटी दर 8.53% है, वहीं 4 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक रायपुर, महासमुंद, सरगुजा और कांकेर जिले से हैं। चारों की मौत को मॉर्बिडिटी यानी कोरोना के साथ अन्य किसी गंभीर बीमारी की वजह से हुई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमित 84 कोरोना मरीज रायपुर जिले में मिले हैं। राजनांदगांव में नए मरीजों की संख्या 52 है, सरगुजा जिले में 38, बिलासपुर जिले में भी नए मरीजों की संख्या 38 रही, कांकेर जिले में 32, बलौदा बाजार से 31, दुर्ग से 30, सूरजपुर जिले से भी 30 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी तरह बालोद जिले से 24, रायगढ़ से 23, महासमुंद से 20, बेमेतरा से 19, बीजापुर से 17, धमतरी से 16, कोरिया से 14, दंतेवाड़ा से 11, कबीरधाम से 11, कोरबा जिले से 10, जांजगीर चांपा से 8, बलरामपुर से 6, गरियाबंद से 4, जशपुर से 4, बस्तर से 3, गोरेला पेंड्रा मरवाही से 2, कोंडागांव से 1, नारायणपुर से 1 और सुकमा जिले से भी 1 मरीज की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग को अलर्ट रहने कहा, रोजाना 10,000 टेस्ट के दिए निर्देश। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंगलवार वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए।